मैं कोई अनोखा नहीं हूँ जो इस तरह से लेके आया हूँ। बहुत सारे गाने इस तरह से आते गए हैं और उसमें मैं थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स लिखता हूँ। मेरी स्टाइल ही ऐसी रही है, कोका कोला तू हो या धीमे धीमे हो, कि तुझ में नशा है, तू बिल्कुल अफीम है। तो मैं ये हंसी जा रही है, पर ये चीज़ें मज़े के लिए हैं। ऑल दीज डांस नंबर्स आर अबाउट यू नो हैविंग फन, और इनको जितना सीरियसली ना लिया जाए जिस तरह से ले रहे हैं, और हम बस जो मज़ा ही करना है उसके चलो बारे में ही डांस नंबर्स होते हैं, और जितना सीरियसली लेंगे तो फिर मज़ा निकल जाएगा। तो ऐसे ही है। जस्ट टेल मी अबाउट दिस लाइक व्हाट यू डिड फॉर दिस। बिजली 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 गिटार, ये सॉन्ग है। बिजली गिटार बनाने वाले ये आपके सामने हैं, और काफ़ी इलेक्ट्रिफाइंग सॉन्ग है जैसे आपने बताया। और आई एम रियली वेरी हैप्पी, वी बोथ आर वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें लोगों से। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सॉन्ग, ट्रेंडिंग कर रहा है वर्ल्ड वाइड ऑन द टॉप चार्ट्स। ऑल्सो इट्स द आई थिंक द मोस्ट ओनली वीडियो, व्यूड मोस्ट वीडियो, व्यूड वीडियो मोस्ट व्यूड इन वीडियो लेस इन देन ट्वेंटी लास्ट फोर ट्वेंटी आवर्स। फोर आवर्स यस। बहुत फन सॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी स्मूथ। डिफिकल्टी तो समझ में नहीं आ रहा है, लाइक आई मीन इट वॉज अ गुड सॉन्ग। एंड देन यस, आई वॉन्टेड टू प्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कोरियोग्राफी फॉर द फैंस आउट देयर, फॉर द पीपल आउट देयर। तो थ्री हमने डिफरेंट यूनिक कोरियोग्राफीज की हैं, स्नेकिंग, लॉकिंग, पॉपिंग। दीज आर ऑल स्ट्रीट डांस फॉर्म स्टाइल्स, तो दैट्स फॉर द पब्लिक। उर्वशी कैमरा पे होती हैं तो उनका लेवल मैच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही कमाल की डांसर हैं और मैं बिल्कुल उसका उल्टा। पर स्टिल इट वाज ग्रेट फन, बिकॉज़ शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और वो बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी हैं। आप दूर से लगता है कि वो बहुत मुश्किल होंगी, वो टफ़ टाइम देंगी आपको, बिकॉज़ शी इज़ अ स्टार इन हर ओन वे। पर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से डायरेक्टर की सुनती हैं। जैसे डायरेक्टर शैबी, हमारे वीडियो डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने जितनी भी बार टेक्स में कभी कोई टेक नहीं ठीक आता, तो शी वॉज़ प्रिटी फाइन विद गिविंग मल्टीपल टेक्स, एंड शी वॉज़ एब्सोल्यूटली स्टनिंग। और वो तो इतनी परफेक्शनिस्ट हैं, क्या डांस किया है, शी इज़ डैम गुड। पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं मेरा सारा ध्यान सिंगल्स की तरफ ज़्यादा जा चुका है। मैंने स्टार्ट किया एज अ म्यूज़िक कंपोजर, म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म्स में, बट आई फील कि ये थोड़ा सा बेटर है मेरे लिए, बिकॉज़ ये ज़्यादा चल भी रहा है मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट, और झूठ नहीं बोलूँगा, इट्स फ्रूटफुल। सो और सिंगल्स आने वाले हैं तो उस पर ही काम चल रहा है। जॉन अब्राहम वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव। द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट हिम इज दैट ही इज़ एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ। हमेशा आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रहते हैं ऑन द सेट्स। एंड देन ही गिव मी सम रियली ब्रिलियंट टिप्स कि किस तरीके से एज एन आउटसाइडर आई कैन ब्रेक इन एंड मूव इट इन बॉलीवुड, बिकॉज जॉन हिमसेल्फ इज़ एन आउटसाइडर। उन्होंने जो भी कुछ किया है आज तक अपने बलबूते पे किया है, अपने दम पे किया है। एंड ही इज़ अ वेरी फोकस्ड पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट आई मस्ट से। उनको हर चीज़ का, हर तरीके की चीज़ का सबका पता रहता है। आई स्टिल रिमेंबर वी वर लाइक डूइंग अ सीन, और बीच में वो आते हैं तो मैं उनसे कुछ, अरशद उनसे कुछ पूछते हैं कि अच्छा उर्वशी ने ऐसा कुछ किया है तो व्हाट इट इज़। तो बहुत ही फनी तरीके से उन्होंने बोला कि उर्वशी इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड बट वो कुछ काम नहीं, मतलब इट्स प्रॉब्लम। शी ही सेड कि द प्रॉब्लम विद यू इज़ दैट यू ट्राइंग टू हार्ड, लाइक उन लाइक बिकॉज यू नो आई वॉज ऑन अ मूवी सेट पागलपंती विच हैज़ जॉन एंड अनिल कपूर, ऑल द सीनियर एक्टर्स, सीनियर डायरेक्टर अनीस बज़मी। आई एम द यंगेस्ट वन, सो इट्स लाइक यू नो यू आर इन दैट मोड कि जब यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड ऑल। तो वो आकर बोलते कि हाँ शी इज़ ट्राइंग टू हार्ड यार, शी इज़ ट्राइंग टू हार्ड। आई स्टार्टेड लाफिंग, लाइक ही नोज कि वट इज़ हैपनिंग एंड दिस गर्ल इज़ ट्राइंग टू हार्ड और वट्स एवर, आई डोंट नो। बट या ही इज़ वेरी फनी एंड वेरी, ही हैज़ वेरी हम्बल नेचर। आई लव दैट अबाउट हिम। माई फुल पोटेंशियल इज स्टिल नॉट आउट, येस आई हैव ओनली यूज मे मी लाइक 20% ऑफ माई एंटायर पोटेंशियल। बट येस आई थिंक एवरी थिंग टेक्स टाइम, है ना। कुछ भी जैसे कहते हैं कि ओवर नाइट स्टार्डम, वो भी ओवर नाइट नहीं होता है। इवन दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। येस अभी तक द ट्रू पोटेंशियल इज स्टिल नॉट आउट, बट आने वाले टाइम पे हो जाएगा। You are basically from Uttaranchal, yeah. Uttarakhand. I am also from Uttarakhand. So first of all, I want you to say something in Kumaoni or Garhwali, whatever, to your audiences over there. मैं गाना गा लेती हूँ।
Dui gati besakh surma myare muluk myala. Dui gati besakh surma myare muluk myala. Myare muluk myala hai jai. Meri surma sarela surma hai jai. Meri surma sarela surma hai jai. Awesome. जब छूती है तू दिल में बजती गिटार है, जवानी तेरी बिजली की तार है, जवानी तेरी बिजली की तार है, 26 तारीख से चढ़िया बुखार है, बिजली के खंभे जैसी खड़ी है, तेरे बदन में अग्नि बड़ी है, मुझे दिखाते किसकी तड़ी है, तू शोला शोला फुल चढ़ी है। नो बट You sang really well. Great. Thank you for talking. खुशी है आईफा के हम गोल्डन 20 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं और इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर ऑल्सो आई वॉज द ग्रैंड फिनाले शो स्टॉपर एट आईफा फैशन शो अ डे बैक सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी पार्ट ऑफ इट एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ आईफा एज अ प्लेटफॉर्म Thank you so much. आपको पसंद आया आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल वाइट गाउन बाई इंटरनेशनल डिजाइनर कॉल्ड दरसारा सिंह फैशन एंड या द होल आइडिया वॉज टू बी एलिगेंट एंड वाइट आई रियली फील दैट under my own foundation as well under Urvashi Rautela foundation I've always maintained this one thing that it's very very important the tree plantation is very important we need to conserve our forest we need to conserve our trees because agar hum apne planet ka khayal nahi rakhenge to shayad koi bhi nahi rakhega we as human we have to make sure ki hum apne forest ka khayal rakhein aur it's very important to take care of natural resources not only trees but even water air every single thing थैंक यू आपको पसंद आया बिजली की तार सच में ओके थैंक यू बिजली की तार एक बहुत ही धमाकेदार डांस म्यूजिक वीडियो है और हमने बहुत ही कम समय में विद इन 24 आवर्स वी हैव क्रॉस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज एज वेल एंड या इट्स अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज इट्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिक डांस फॉर्म्स लाइक लॉकिंग पॉपिंग स्नेकिंग And snaking is a form in which it's like a street dance style form, free dance style form. Just mein aapne muscles ko use karke, you know, you completely relax it and then you know jerk. You give a jerk to your muscle and tab jaake jo body formation form hoti hai. That's how the you know the style of dance is in Bijli Ki Taar and I'm really happy by getting a great response for Bijli Ki Taar. Thank you.